याद रखना मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में तुम कुछ प्राप्त कर पाओ या ना कर पाओ, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवारजनों को कुछ आप दे पाओ या ना दे पाओ, अपनी संपत्ति दे पाओ या ना दे पाओ, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, मस्तक पर तिलक, हाथ में रामायण जरूर देकर जाना। आप अपने बालक अथवा बालिका के मस्तक पर तिलक और हाथ में रामायण देकर जाएंगे। हम हनुमान जी के सेवक हैं, छोटे से, बहुत नालायक हैं, लेकिन भैया हम उनके चरणों की शपथ खा करके गदगद होकर के कहते हैं, वो बालक आपका नाम तो रोशन करेगा, उस भूमि का भी रोशन करेगा जहां जन्म लेगा। विरासत में बहुत से लोग अपने बालकों को बिजनेस, पॉलिटिक्स की गद्दी, राजनीतिक गद्दी, और बहुत से लोग नौकरी देकर जाते हैं अपने बेटे और बेटियों को। बुरा मत मानना, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, साक्षर होना बहुत जरूरी है ताकि कोई तुम्हें बुद्धू ना बना सके, लेकिन केवल पढ़ा लिखा भर होना बहुत जरूरी नहीं है। पढ़ लिख करके रोजी रोटी तो कमा सकते हो, लेकिन जीवन जीने की कला अध्यात्म से ही आती है। हमने बहुत से बच्चों को देखा, पढ़ करके बहुत बड़े बन जाते हैं पर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं। अनेक बच्चे यहां भी बैठे हैं जो आए दिन एक ही बात को सोचते रहते हैं, आए दिन फिर आत्महत्या करते हैं, न जाने कितने प्रकार से टॉर्चर होते हैं। इसी मुंबई महाराष्ट्र में ना जाने कितने ऐसे कांड हो गए। बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा, इसमें गलती अभिभावकों की है ना कि उस बच्चे की, इसमें गलती उन माता पिता की है। खैर, माता पिता कोई भी कसर नहीं छोड़ते, प्रयत्न पूर्ण रूप से करते हैं। कौन ऐसी मां होगी, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों के लिए कोई कसर छोड़े। लेकिन मैं निवेदन करूं आज के दरबार की यात्रा को प्रारंभ करने के पूर्व कि मेरे साधु, आप अपने उन बच्चों को पढ़ाई भी दीजिए, खेल भी दीजिए, उन बच्चों के लिए आप संपत्ति भी दीजिए, नौकरी भी दीजिए, पर उनको सुंदर और अच्छे संस्कार भी दीजिए। आप लोग अंधाधुंध चकाचौंध में, पाश्चात्य सभ्यता में, यहां के अंग्रेजी फैशन के चक्कर में अपने बच्चे और बच्चियों को रातों भर पार्टियों के लिए खुला छोड़ देते हो। बुरा मत मानिएगा, हमें उससे कोई विरोध नहीं है, पर याद रखिएगा, अपने बेटा और अपने बेटी पर रोज गौर करिए, इसकी संगत किसके साथ है। रोज गौर करिए, 25 तारीख आती है, सांता क्लॉज आता है, तुम उसके पास में गिफ्ट लेने भेज देते हो। हमें किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर दो बूंद भी सनातनी हो तो मेरी निवेदन है, अपने बच्चों को रामनवमी पर राम मंदिर भी भेजा करो। मेरी प्रार्थना है, आप अपने बेटा को और बेटी को प्रतिदिन 5 पाठ हनुमान चालीसा के या 1 घंटे के लिए रामचरितमानस पढ़वाना शुरू कर दो। ऐसे तुम्हें दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे।